पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई है। यानी तीन राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। चुनावी नतीजे भी आ गए हैं, बीजेपी को बहुमत भी मिल गया है, लेकिन इन तीन राज्यों की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर अब भी संशय बरकरार है। एक और जहां इसका इंतजार तीन राज्यों की जनता के अलावा पूरा देश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीएम के ऐलान में बीजेपी की देरी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब सब कुछ दो ही लोगों को तय करना है तो तीन राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए मंथन का ड्रामा क्यों? कौन बनेगा करोड़पति की जगह? अब भाजपा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखिए। इसके बाद सुप्रिया ने एक एक पॉइंट के जरिए बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताया। सुप्रिया ने आगे लिखा, पांच दिन बाद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं हो सका। यूपी के मुख्यमंत्री की घोषणा में 8 दिन लगे थे, असम के मुख्यमंत्री की घोषणा में 7 दिन लगे थे। इतिहास ये बताता है कि तथाकथित मंथन के बाद बनाए गए मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह बदले जाते हैं। गुजरात में आनंदीबेन पटेल से लेकर विजय रूपाणी और फिर भूपेंद्र पटेल बदले गए। उत्तराखंड में तो 12 महीनों में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र रावत, फिर तीर्थ रावत, फिर पुष्कर धामी लाए गए। पुष्कर धामी चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार कर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब भाजपा में फैसले जनादेश से नहीं, आलाकमान के दो लोगों द्वारा लिए जाते हैं। राजनीतिक लोगों को दरकिनार कर जिसका चेहरा साहिब को सुबह पसंद आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके उदाहरण है मनोहर खट्टर और बिप्लव देव जैसे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जबरन विधानसभा का चुनाव लड़ाने से लेकर मंत्रियों के निजी सचिव भी बिना साहेब की मर्जी के संभव नहीं है। कभी किसी भाजपाई से उनके मन का हाल पूछो तो आपको बताएंगे कि आधों को घर पर बिठा दिया है, बाकी आधे जी हजूरी करने के लिए मजबूर हैं। यही है भाजपा का असली चाल चरित्र, चेहरा। जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर अब भी संशय बरकरार है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये बीजेपी के वो दिग्गज नेता हैं जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश चुनाव में तो बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज को ही दिया जा रहा है। बावजूद इसके अब तक उनका नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में पार्टी आलाकमान तीन राज्यों की कमान किन के हाथ में सौंपता है, इसका इंतजार सभी को है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।